हेलो बच्चों, 1 to 1 to साइंस द कॉस्टल बेटा चार्ली, मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज के सेशन में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीएम, जो एपी का छोटा भाई है। ठीक है, तो एपी एक पुदीना था और जीपी दूसरा पुदीना है छोटा सा। ठीक है, तो जीपी में क्या है बेसिकली, जैसे एपी में अपना होता था कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, यहाँ भी अपना फर्स्ट टर्म होगा बस कॉमन रेशियो हो। मतलब दो टर्म को क्या वहाँ पर क्या करना पड़ता था कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते थे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर तो कॉमन रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं फटाफट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, पूरी तरह से। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या काम करो, एक एग्जाम्पल उठाते हैं, उसे सारी बातें समझते चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसे समझाता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपने पास यहाँ पे मान लेते हैं एक 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब यहाँ पर नोटिस, अपने पास ये फर्स्ट टर्म, ठीक, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ, टर्म फाइव, ऐसे करके डॉट 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 टर्म एन। ठीक है, कोई भी टर्म हो सकता। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो, यानी टर्म टू को टर्म फर्स्ट से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 4/2, यानी कैंसिल होकर आया 2। ये है आपका कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो। इस कॉमन रेशियो को आर से शो किया जाता है। ठीक, तो यहाँ आपको आर निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर मैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करता हूँ, टी थर्ड डिवाइड बाई टी टू, तो ध्यान से देखो यहाँ पे आएगा 8/4, यानी आएगा 2। तो यहाँ देखो कॉमन रेशियो निकल रहा है। कहने का मतलब यह है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को कहीं भी डिवाइड आप करोगे, 16 को 8 से डिवाइड करो तो आया आपका 2। देखो तो कॉमन रेशियो निकल रहा है, यही है कॉमन रेशियो, आर से शो करोगे। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन रेशियो के साथ सेकंड टर्म आपका होगा ए आर, ध्यान से समझना इसको। फिर थर्ड टर्म आपका होगा ए आर स्क्वायर, फिर होगा ए आर क्यूब, फिर होगा ए आर फोर, ऐसे करके डॉट 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 ए आर के पावर एन माइनस वन, यही आपका यहाँ पे एन टर्म होगा, ए आर एन माइनस वन। मीन्स जैसे हमारे एपी के पास चलता था, अगर हमें एन टर्म निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे आपको यहाँ अगर एन टर्म चाहिए उस केस में आपको ए आर की पावर एन माइनस वन लगाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान, ठीक है, बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो ये हो गया, जैसे अपने पास यहाँ सीरीज चल रही है 5, 15, 45, ये पूरा चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है तो आपको 3 मिलेगा, यही आपका कॉमन रेशियो होगा जो कि आर से शो करेंगे। ठीक, तो ये सारी बात है, तो ये पूरी सीरीज चलती चली जाएगी जो मैंने अभी बताया, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और फाइनल टर्म हमारा एन टर्म के लिए होगा ए आर एन माइनस वन। ठीक, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, एन टर्म निकालना है तो। ठीक है, ओके डन, तो यही फॉर्मूला यहाँ पास आया। ठीक है, ये प्रूफ दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक साथ सम भी समझ लेंगे, अगर सम निकालना है आपको, ठीक है, इसी सीरीज का सम निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले तो हम एन टर्म की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे था 2 था, 4 था, 8 था, 16 था, 32 था, ये पूरी जीपी चल रही है। कोई जीपी अगर चेक करनी है तो आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है 2, ठीक है, और वहाँ कॉमन रेशियो आ जाए, जैसे 4 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 8 से 4 को डिवाइड किया 2 आया, तो यहाँ 2 2 2 आ रहा है, मतलब यहाँ कॉमन रेशियो 2 मिल रहा है। तो बोल सकते हैं कि दिस सीरीज आर इन जीपी। ठीक है, अच्छा, अब आपको मान लिया जाए, बोला जाए कि 16 जो है वो कौन सा टर्म है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4, फोर टर्म है, तो फोर टर्म कैसे पता चलेगा, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है टी एन का, यहाँ होगा ए आर एन माइनस वन। तो 16 तो दे रखा है ना, 16 पूछा है पूरे जीपी के अंदर, फर्स्ट टर्म तो मालूम है 2 लिख दो, और हमें कॉमन रेशियो कैसे पता चलता है, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करके यहाँ भी 2 मिला, यहाँ हो गया एन माइनस वन। आपको एन फाइंड करना है, 2 से हो गया 8, यहाँ आ गया 2 के पावर एन माइनस वन। सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको पावर में लिखोगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, और इसको लिखोगे 2n-1, यहाँ पावर को कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, और कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ देखिए n-1 = 3 आएगा, इसका मतलब यहाँ आ गया 4। तो देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4, 16 4 टर्म है। ठीक है, तो कोई अगर पूरे सीरीज के अंदर, ठीक है, पूरे सीक्वेंस के अंदर अगर कोई टर्म दे रखा है और कौन सा टर्म निकालना है तो उसको आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, या फिर वही nth टर्म, जैसे आपको 4 टर्म पूछा होता कि 4 टर्म क्या है, यहाँ देखो तो 4 टर्म निकाल सकते हैं यहाँ से, तब आपको यहाँ लगाना होता TN, यानी T4 बताना है आपको इस बार। फर्स्ट टर्म 2 है, उसके बाद यहाँ पे कॉमन रेशियो भी 2 है, हमें 4 टर्म चाहिए तो 4 माइनस 1 कर देंगे, तो ये 2 हो गया, यहाँ से हो गया 2 के पावर 3, और यहाँ से हो गया 2, और ये हो जाएगा 8, 8 हो जाए 16, हाँ तो 4 टर्म 16 आ रहा है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो टर्म दे देगा आपसे, पूछेगा टर्म की वैल्यू दे देगा, पूछेगा कौन सा टर्म है, तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल लेना है, या क्वेश्चन में बोल देगा कि वो वैल्यू दे देगा, बोलेगा कौन सा टर्म, ठीक है, ये निकाल लेगा, या तो बोल देगा कि 4 टर्म बताओ, 5 टर्म बताओ, तब फॉर्मूला लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए जीपी के फॉर्मूले। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इस क्वेश्चन में 9 टर्म बताओ, तो 9 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे,
ए एन आर के पावर एन माइनस वन यानी नाइन टर्म निकालना है, तो ए आर नाइन माइनस वन निकाल दो यानी कि ए आर की पावर एट कर दो, यानी फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ देखो कितना है, टू है, फर्स्ट टर्म टू लिख दो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दे, तो सिक्स डिवाइड बाई टू यानी थ्री आया, तो थ्री की पावर यहाँ से एट आ, ठीक है, और यहाँ सॉल्व कर दोगे, ठीक है, इसको ओपन कर दोगे, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। ओके, इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ टेन टर्म पूछा है, तो टेन टर्म के क्या लगाओगे, ए आर आर टेन टर्म के लिए टी टेन इक्वल्स टू ए आर की पावर टेन माइनस वन मीन्स ए आर की पावर नाइन मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ, ठीक है, 1024 है, 1024 लिख दो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकेंड से हमेशा फर्स्ट को डिवाइड करना है, ठीक है, तो माइनस फाइव बाई कितना होगा, फाइव 12 डिवाइड बाई 10024, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना और नाइन से सॉल्व, ठीक है, तो टेन टर्म निकलेगा, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मूला, कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो आराम से निकाल सकते हो। अगर हमें 40 टर्म निकालना है तो यहाँ ए आर 39 हो जाएगा, एक कम कर दिया करो बस, ठीक है, फर्स्ट टर्म फाइव है, कॉमन रेशियो यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, फाइव आएगा, फाइव की पावर 39 आएगा, ठीक है। अब इतनी बड़ी पावर आए तो इसको क्वेश्चन को यही छोड़ देना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना वरना बहुत टाइम चला जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये पूरी बात हो गई हमारे इसकी जीपी की, जीपी का अगर सम निकालना है, ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं सम का फॉर्मूला यहाँ बताऊंगा कि अगर आपको फॉर्मूला निकालना, मतलब सम निकालना है जीपी का, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे ए होगा और नीचे हो जाएगा आर माइनस वन, आर एन पर वन माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका जाएगा, ठीक है। तो सम के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमने आज जान लिया पूरा जीपी का जो है, जीपी क्या होती है, जीपी का टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जाते जाते बता दूंगा कि जो बच्चे अपने कंप्यूटर वाले हैं वो आकर के अपना ICSE कंप्यूटर बैच एस बोर्ड आकर ज्वाइन करें, 1490 इसका सब्सक्रिप्शन है, और जो बच्चे सीनियर हैं हमारे बड़े बच्चे, वो अपने प्रतीक सर के साथ ICSE कंप्यूटर के बारे में जो कुछ भी प्रॉब्लम है आकर के अपने सॉल्यूशन लें, वहाँ पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है उनके लिए, 990 रुपीज़ मात्र जो है इसका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, चुस्त रहें, मस्त रहें, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।